स्टोरी तो नहीं बोल सकती पर इस बार और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पार्ट वन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. इट हैज़ मैसिव ट्विस्ट. मुझे बहुत मज़ा आया पूरी कास्ट और टीम से मिलने में. पहली बार जब मैं शूट में सबसे मिली तो इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग. आई एम रियली एक्साइटेड कि ये फिल्म अब सबके सामने आने वाली है जल्दी नवंबर में. प्रेशर नहीं है, एक्साइटमेंट है. बिकॉज अभी जब हम फिल्म बनाते हैं तो काम करते हैं ये सोच के कि अच्छा काम करें और लोग पसंद करें. आई होप लोग पसंद करें और लोगों को मज़ा आए ये फिल्म देखने में. दैट्स व्हाट इट इज़. ये इसके बारे में ये बताएं क्योंकि ये इनका सो द सेट इज़ फ्रॉम नुपुर फाइन ज्वेलरी एंड शी इज़ अ वेरी डियर आंटी ऑफ माइन एंड शी डिज़ाइंड इट. वी ऑल बोथ सैट टुगेदर, डिज़ाइन द आउटफिट अकॉर्डिंग टू द पीस एंड एवरीथिंग. सो इट ऑल फेल इन टू प्लेस एंड इट्स आई थिंक शी इज़ मेकिंग इट लुक. Thank you so much. मैं स्टेज को देख के बहुत एक्साइटेड रहती हूँ. आई लव स्टेज. आई ऑलवेज फील दैट आई कनेक्ट योर डिवाइन एनर्जी जब मैं स्टेज पे होती हूँ. टुडे वो स्पेशल. ये मेरी नेबर है, मेरी फ्रेंड है और इनका पहला शो था और इन्होंने मुझे बताया कि ये बचपन से डिज़ाइनर बनना चाहती थी. जब ये बहुत छोटी थी तो ये अपने बाबी डॉल्स के कपड़े बनाया करती थी और हमेशा इनका एक ड्रीम था कि ये डिज़ाइनर बने. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इनकी एक जो इनकी जर्नी शुरू हुई है उसके साथ मैं जुड़ी हूँ और बहुत मज़ा आया. इनके कपड़े बहुत सुंदर थे और शी पुट अपना यू नो शी पुट्स अ हार्ट एंड सोल इनटू इट. तो मुझे बहुत मज़ा आया और आई फेल्ट इट वाज अ ग्रेट शो. Actually, it's a very comfortable outfit. It's very sexy. I love it. It has a sexy back. And I love the way she designed it. It's I love the flowers. इन्होंने मुझे बताया कि ये जब भी कुछ भी बनाती हैं कपड़े तो उसमें अपना कुछ अपने अपने हाथों से भी उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर करती हैं. तो इसमें जो ये फूल हैं इन्होंने खुद से काट के लगाए. ये इन्होंने ये डिज़ाइन बहुत अच्छा करती हैं, हाथ से बहुत सुंदर स्केच करती हैं. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई फील लाइक आई एम वेयरिंग अ ड्रीम. मुझे लग रहा है कि मैंने इनका सपना जो है जो बचपन से जो उन्होंने देखा था वो आज पहना हुआ है. तो मैं बहुत स्पेशल फील कर रही हूँ.